हेलो गाइस, वेलकम टू साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस 9 वोल्ट की बैटरी को इन चार्जरों की हेल्प से चार्ज करना सीखेंगे। दोस्तों, आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, वरना आपको समझ नहीं आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको इसमें दो मोबाइल चार्जरों की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दो जैक ले लेना है। ये 3500 का फीमेल जैक है और एक आपको बैटरी स्टेपल लेना है, यानी कि बैटरी कनेक्टर, जो कि 9 वोल्ट बैटरी के ऊपर आप लगा सकें। चलिए ठीक है, ये इतना सामान लेने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको मोबाइल के जैक को कुछ इस प्रकार से पकड़ना है। एक चीज का ध्यान रखें, दोनों जैक इस तरह से पकड़ें कि दोनों की ज्योमेट्री आकृति सेम रहे। दोनों को सेम, बिल्कुल एक समान आपको पकड़ना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद आपको पीछे घुमा के इस प्रकार से ये दोनों पिन को शॉर्ट कर देना है। और शॉर्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको सोल्डरिंग कर देना है। देखिए दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, जिस प्रकार से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ आपको उसी प्रकार से करना है। आप पहले इसके ज्योमेट्री आकृति देख लीजिए, उसके बाद आपको राइट साइड वाली पिन, यानी कि ये वाली पिन है, ये पिन, इस पर आपको बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव वाला वायर लगा देना है। उसके बाद में आपको दूसरे वाले पॉइंट पे नेगेटिव वायर लगाना है। तो दोस्तों, फाइनली हमारे इस कनेक्टर के जो भी हमने ये जुगाड़ बनाया था, इसके कनेक्शन तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम वो बैटरी ले लेते हैं जिसको हमें चार्ज करना है। तो ये वो रही बैटरी जिसको हमें चार्ज करना है। तो इस बैटरी का सबसे पहले हम बोल्ट चेक करके देखते हैं ये कितने बोल्ट चार्ज हैं। तो मैंने मल्टीमीटर के प्रोब लगाए तो आप देखिए 3.24 लगभग। दोस्तों, इसका करंट कम ही हो रहा है क्योंकि ये डिस्चार्ज बैटरी है हमारी, 3 वोल्ट के अराउंड चार्ज है। तो अब हमारा ये पूरा प्रोसीजर बनके तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा आपको इसके बारे में ज्ञान दे देते हैं, उसके बाद में हम इस बैटरी को चार्ज भी करेंगे। दोस्तों, हमारा एक मोबाइल का चार्जर जो होता है वो हमारा 5 वोल्ट का होता है। जैसे कि ये चार्जर है, ये हमारा 5 वोल्ट का है और बैटरी हमारी कितने वोल्ट की है, बैटरी हमारी 9 वोल्ट की है। तो जब हम 5 वोल्ट से 9 वोल्ट को चार्ज करेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमने दो मोबाइल चार्जर लिए हैं जिनको हम दोनों को सीरीज में इस कनेक्टर के माध्यम से जोड़ के, और इसको जब हम बनाएंगे तो ये हमारा 5 वोल्ट और 5 वोल्ट हमारा 10 वोल्ट हो जाएगा। 10 वोल्ट चूँकि 9 वोल्ट से अधिक है तो हमारी ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये एक्सटेंशन बोल्ट है, इसमें मैं लगा देता हूँ। एक हम दूसरा भी चार्जर लेते हैं, इसको भी हम एक्सटेंशन बोल्ट में लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों चार्जर हमने एक्सटेंशन बोर्ड में लगा दिए हैं। अब इनकी जो पिन्स हैं उनको मैं कनेक्टर के अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने लगा दिए। दोस्तों, अब हम इस कनेक्टर का वोल्टेज चेक करके देखते हैं ये कितने वोल्ट का करंट हमें दे रहा है। देखिए दोस्तों, ये 10.81 वोल्ट का करंट हमें दे रहा है और हमें चाहिए कितना था, हमें भी इतना ही चाहिए था, लगभग 10 के अराउंड में। तो अब हम 9 वोल्ट की बैटरी लेंगे। किसी भी बैटरी को हमें चार्ज करना है, हम इसकी प्रोब को इस प्रकार से दोस्तों लगा देंगे। अब हम इस बैटरी को कुछ समय के लिए रख देते हैं और देखते हैं दोस्तों हमारी ये बैटरी कितनी चार्ज होती है। तो दोस्तों, हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 ही मिनट हुए हैं। 5 मिनट के बाद में अब हम इस बैटरी की बोल्ट चेक करके देखते हैं ये कितनी चार्ज हुई है। इसके लिए मैं बैटरी का कनेक्टर हटा देता हूँ और चेक करके देखते हैं ये कुछ चार्ज हुई है, ये वैसे की वैसी है। तो दोस्तों, इसमें वोल्टेज 9.31। देखिए दोस्तों, 5 मिनट सिर्फ हुए हैं इस बैटरी को और 5 मिनट में ये 9.31 वोल्टेज हमें शो कर रही है।
ये बहुत जल्दी चार्ज होगी, इतनी जल्दी मुझे उम्मीद नहीं थी ये हो जाएगी। तो हम इस बैटरी से एक LED जला के देखते हैं ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। दोस्तों ये काम तो कर रही है, देखिए रेड LED हमारी जल रही है। लेकिन अब हम इसको एक बार फिर से भी टेस्ट करके देखते हैं ये कितनी डिस्चार्ज हुई। देखिए 9.10। दोस्तों ये चार्जिंग शो तो कर रही है लगभग 9 वोल्ट की, लेकिन अभी ये पूरी तरह से चार्ज नहीं हुई है। दोस्तों इसको अगर पूरी तरह से चार्ज करना है तो हमें लगभग 10 मिनट के लिए या 15 मिनट तक के लिए लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको 15 मिनट के लिए लगा के देखता हूँ और उसके बाद हम टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों वैसे तो इसकी वोल्टेज 9 के करीब जो 9 वोल्ट हो चुके हैं, लेकिन जब हमने इस पर LED लगाई तो ये हमारी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रही है। तो इसके लिए हम इसको थोड़ी देर तक चार्ज करके देखते हैं लगभग 15 मिनट के लिए। तो दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट के बाद में हम इस बैटरी को चेक करके देखते हैं ये कितनी चार्ज हुई है। इसका कनेक्टर हटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों 9.41। दोस्तों अब ये बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है और इसका वोल्ट जो है वो 9.41 शो कर रहा है। तो आप भी इस मेथड से बैटरी चार्ज कर सकते हैं। आपको दो चार्जर लेना है और कनेक्टर दो लेना है। आप इस कनेक्टर को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे खरीद सकते हैं और इस तरह से आप 9 वोल्ट बैटरी चार्ज करने का चार्जर बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।